गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने रिग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम उसको उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो रिग्रेशन का कैसे सॉल्व होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में गिवन है एक्स और वाई के, हमें फिगर्स गिवन है एक्स में 1 2 3 4 5 एंड देन वाई में 2 3 5 4 6, ठीक है। हमने क्या निकाला है, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई व्हेन एक्स इज 2.5। हमें एक्स कितना गिवन है 2.5। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो हम वाई कैसे निकालेंगे, पहले एक्स वाई को एज इट इज लेके देन उसका टोटल कर लेंगे। एक्स का टोटल कितना बनता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना बनता है, 15। इसी तरह वाई का अगर टोटल देखें, 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 4 + 6 20 बन गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले एक्स का स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। जो हमें एक्स का डाटा गिवन है हम पहले उसका स्क्वेयर करेंगे। 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1, 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4, 3 का 9, इसी तरह 4 का 16, 5 का 25। फिर वाई का स्क्वेयर करेंगे, वाई का स्क्वेयर कितना होता है 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, देन 4 का 16, देन 6 का 36, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x का स्क्वायर भी निकाल लिया और y का स्क्वायर भी निकाल लिया, और यहाँ पे हमने बाद में निकालना है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, यानी कि 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 × 3 कितना बन गया 6, 3 × 5 15, 4 × 4 16, 5 × 6 30, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वेयर का टोटल करना है। एक्स के स्क्वेयर का टोटल कितना बनता है, यहाँ पे 1 + 4 + 9 + 16 + 25 कितना बन गया 55। इसी तरह वाई के स्क्वेयर का टोटल करेंगे, 4 + 9 + 25 + 16 + 36 कितना बन गया 90, ठीक है। इसी तरह से हमने एक्स वाई का टोटल करना है, 2 + 6 कितना होता है 8, 8 + 15 कितना होता है 23, देन 23 + 16 कितना होता है, ये बनता है 39, देन 39 + 30 कितना बनता है 69, ठीक है। सो ये हमारा एक्स वाई का टोटल आ गया। अब हमारे पास जो समेशन ऑफ एक्स है वो भी निकल आया। फॉर्मूले में हमें ये चाहिए था, समेशन ऑफ एक्स कितना है 15, यानी कि एक्स का टोटल। समेशन ऑफ वाई भी आ गया, वाई का टोटल 25, इसी तरह एक्स का टोटल 55, देन वाई स्क्वायर का टोटल 90, देन एक्स वाई का टोटल 69, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन है जो एक्स ऑन वाई पे बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स गिवन है तो हमें वाई निकालना है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह समेशन ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, ए इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने इसमें वैल्यूज फिल कर देनी है, तो हमारा वाई कितना आया था 20, ठीक है। तो ए हमारा 5a + 15b ले लिया हमने, ठीक है। देन हमने इसी तरह से वाई कितना था हमारा 69, यहाँ पे हमने ये वाली पहले इक्वेशन में वैल्यूज फिल की थी, ठीक है। समेशन ऑफ वाई कितना आ रहा हमारा 20, एन कितना हमें दिया हुआ 5 है, एन 5 क्यों है ये देखिए, हमने ये कैलकुलेट किया, काउंट किया 1 2 3 4 5, तो ये कितना हमारे पास 5। सो यहाँ पे 5 आ गया प्लस बी, बी कितना हमारा, बी हमें गिवन है समेशन ऑफ एक्स गिवन है, समेशन ऑफ एक्स हमारा वो कितना दिया हुआ 15, तो हमने यहाँ से 15b ले लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने एक्स वाई की देनी, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना बनता है 69 यहाँ पर लिख लिया, देन ए इंटू समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स गिवन है, ए की वैल्यू हमने निकाली, समेशन ऑफ एक्स कितना गिवन है 15, तो
15 है यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से एक्स स्क्वेयर कितना है समेशन, एक्स स्क्वेयर है 55, सो 55 भी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमने इक्वेशंस को सॉल्व करनी है। ठीक है, सॉल्व कैसे किया हमने इसको, जैसे सपोज करो 20 वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बना 20 × 365 × 315 × 15 × 345। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये भी हमें इक्वेशन है, अब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई −9/-10, माइनस माइनस से कट गया, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 9/10, या हम बोल सकते हैं 0.9 जो है बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने बी की वैल्यू आ गई, अब हम बी की वैल्यू फिल करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। जैसे सपोज करो 5a + 15 में बी की वैल्यू फिल कर दी कितनी है 0.9 या 9/10। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 27 / 2 कितना बनता है 2 × 2 = 3, 6 × 10 = 5, 13.5 आ गया। ठीक है, 5a + 13.5 = 20, तो 20 में से 13.5 जो है हम माइनस करेंगे तो कितना बनता है 6.5। 6.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 3। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो है ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी, हमारा a की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, सो अगर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन आए तो हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार आप इसी क्वेश्चन को करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, सो थैंक यू क्लास।